अगर आपके पास डॉग है तो आपको पता होगा कभी कभार मौसम चेंज होने के कारण या फिर डॉग में कुछ ऐसे वायरस आने के कारण आपका डॉग कभी कभार बीमार पड़ जाता है। और बीमार पड़ने के बाद जैसे हम उसका ट्रीटमेंट वगैरह चालू कर देते हैं, बट तब उसका रिकवरी टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना जल्दी वो रिकवरी करे उतना उसके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो उस टाइम हमारा डॉग कुछ भी नहीं खाता, कुछ खाता पीता नहीं है, सुबह शाम हम हमेशा ट्राई करते हैं उसको अच्छे से अच्छा जो रेगुलर खाना है वो भी दे, बट वो नहीं खा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और जैसे बीमार पपी है या फिर डॉग है तो उसको क्या क्या खाने को हम दे सकते हैं, तो आज इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो रेगुलर आप डॉग को खाना देते हो वो फ़िलहाल के लिए उसको बंद करना चाहिए। अगर आप रेगुलर जैसे आप कोई हार्ड खाना देते हो या फिर जैसे रोटी वगैरह दे रहे हो, डॉग फूड दे रहे हो, तो थोड़े टाइम के लिए उस खाने को आपको नहीं देना चाहिए। और ऐसे भी जो रेगुलर खाना होता है वो डॉग अगर बीमार पड़ जाता है या फिर बीमार होता है तो उस चक्कर में वो रेगुलर खाना तो खाता ही नहीं है, तो उसको आपको भूल जाना है। अगर जैसे आपके डॉग को कुछ बड़ी बीमारी हो गई, पारवो वायरस हो गया, डिस्टेंपर हो गया या फिर और भी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी होती है वो अगर आपके डॉग को हो चुकी है, तो उस हिसाब से आपको जो है खाना डॉक्टर के हिसाब से आपको देना है। कोई कोई केस में जो है डॉग को खाना भी नहीं देना होता है, जो सलाइन या बाटले चढ़े होते उसके हिसाब से डॉग चलता है और वही उसको देना होता है। इसलिए आप डॉक्टर को ज़रूर से पूछिएगा कि डॉग को क्या बीमारी है और क्या हमें इसको खाने को देना चाहिए। अगर आपके डॉग को जैसे नॉर्मल बीमारी है, आपको बुखार आया है, तो उस समय आपको ये खाना खाने को जो है देना चाहिए। आपको जो है सबसे पहले जो है उसको उबले हुए चावल यानी बॉयल आप उसको राइस उसे दे सकते हैं। ये डॉग आराम से खा जाता है, पचा भी सकता है, जिसके कारण डॉग को ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती है और इससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आपके डॉग को मिलती है। इसमें आप अगर थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए थोड़ा बहुत एग के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें मिक्स कर सकते हैं, जो कि आपके डॉग को एनर्जी बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। इसके बाद जो अगर आपके डॉग को बीमार हो जाता है आपका डॉग, तो डॉक्टर के वहाँ से आपको डब्बे में जो है डॉग फूड जैसा खाना आता है वो एक ग्रेवी टाइप का होता है, वो आप डॉग को दे सकते हैं। आप अपने डॉक्टर को पूछ सकते हैं कि वो आपके वहाँ पे है कि नहीं, वो रिकमेंड कर रहे कि नहीं। अगर डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि आप दे सकते हैं तो ऐसे डब्बे में आ जाता है खाने को, आप उसे दे सकते हैं, जिसके कारण उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम न्यूट्रिशन होता है, जिसके कारण आपके डॉग की रिकवरी काफ़ी जल्दी हो जाती है, बट वो थोड़ा बहुत कॉस्टली होता है। ऐसे टाइम में डॉग को फ्रूट काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं और डॉग अच्छे से खा भी लेते हैं। और डॉग को फ्रूट देने से क्या क्या फ़ायदा होता है, जो उसके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी से रिकवर हो जाती है, डॉग को एनर्जी अच्छे से मिलती है, जो कुछ विटामिन सी कमी होती है वो दूर हो जाती है और आपका डॉग जो है रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा उसको मदद होती है। तो फ्रूट आप दे सकते हैं, फ्रूट में एप्पल पपया दे सकते हैं आप, जो कैरेट होता है वो वेजिटेबल्स में वो आप उसे दे सकते हैं, बॉयल वेजिटेबल्स भी आप दे तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा अगर आपका डॉग नहीं खा रहा था, आप छोटे छोटे टुकड़े करके खाने के अंदर मिक्स करके भी उसे दे सकते हैं। और अगर आपके डॉग का जो टेस्ट है वो एकदम से बिगड़ जाता है, मुंह का टेस्ट कुछ भी नहीं खा रहा, तो आप उसको जो है अगर चिकन वगैरह बॉईल करते हैं, चिकन शोरबा ऐसा कुछ आप दे सकते हैं, जिसके कारण आपके डॉग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और जितना हो सके उतना डॉग को हाइड्रेट रखने के लिए पानी आप जितना हो सके उतना दीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा डॉग पानी पिएगा उतना उसके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी, डॉग आपका डिहाइड्रेट नहीं होगा और काफ़ी अच्छे से जल्दी से रिकवरी करने लगेगा। अगर आपके डॉग को लूज़ मोशन, डायरिया ऐसा हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है, बार बार वोमिटिंग कर रहा है, तो उस केस में आपको जो उसको एकदम हल्का या फिर एकदम लिक्विड वाला खुराक देना, जिसके कारण उसको डायरिया और जो है वोमिटिंग ना हो। अगर आपका डॉग बीमार है तो ऐसे में डॉग का जो है मुँह का स्वाद एकदम से चला जाता है, और जैसे आप दवाई वगैरह देते हो, लिक्विड वगैरह देते हो, तो उसके कारण उसको और कड़वाहट लगती है, तो ऐसे में उसको जो क्रिस्पी यानी क्रंची खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो ऐसे में आप हल्का मांस दे सकते हैं उसको, जो बॉईल किया हुआ चिकन होता है उसका पानी दे सकते हैं आप रोटी के साथ वो, या फिर चावल के साथ भी ऐड कर सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है डॉग के लिए। और जो भी आपके घर में सब्जियां वगैरह हो अगर आप बॉईल करके देते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट उसमें नमक की मात्रा बिल्कुल भी कमी होनी चाहिए। और जो भी आप देते हो उसके अंदर तेल, मिर्च, मसाला ऐसा कुछ भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो डॉग फिर से वॉमिटिंग या फिर डॉग को अजीब सा लगने के कारण वो वॉमिटिंग कर देगा। मोस्ट ऑफ द डॉग क्या करते हैं कि अगर उनको अजीब सा हो रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है पर वो कर नहीं पा रहे, तो बाहर जाके जो है हरी घास खाते हैं, या फिर आप गार्डन में ले जाते तो वहाँ पे घास फूस कुछ ना कुछ खा लेते, तो उसके बाद वो वॉमिटिंग कर लेते। बट अगर आपका डॉग मॉर्निंग से 2 से 3 बार वॉमिटिंग कर रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट ज़रूर से कराना है। आप जितना लेट करोगे उतना डॉग की कंडीशन जो है बिगड़ सकती है। कभी कभार डॉग जो है जैसे सर्दी हो गई या फिर उसको ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ऐसे में वो सूंघता नहीं है खाने को, जिसके कारण वो खाना भी नहीं खाता।
तो ऐसे कंडीशन में आप कुछ ऐसे ग्रेवी वगैरह यूज़ कर सकते हो, कभी कभार फिश वगैरह वो वगैरह डाल सक के दे सकते हो, तो उसके कारण उसको काफ़ी अच्छा लगेगा, सुगंध भी आने लगेगी और अच्छे से वो खा भी लेगा और उसका एनर्जी जो है बनी रहेगी। कभी कभार अगर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ हार्ड खाना देते हो, कुछ ऐसा भारी खाना देते हो जिसके कारण डॉग डाइजेस्ट नहीं कर पाता और भी ज़्यादा बीमार वो हो सकता है, तो उसका ध्यान रखना है। बहुत सारे डॉक्टर जो है डॉग को आइसक्रीम खाने को भी देते हैं, तो आइसक्रीम खाने को भी आप दे सकते हो, छाछ वगैरह हो गया, दही वगैरह हो गया, तो वो आप दे सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा जैसे कि ड्राई फूड हो गया या फिर गीला खाना आपको ज़्यादा देना है, एकदम सूखा हुआ फूड नहीं देना। डॉग फूड हो सके तो आप बंद कर दीजिएगा थोड़े टाइम के लिए, अगर डॉक्टर ने बोला है तो फिर आप दे सकते हैं, बाकी ऐसे आपको हार्ड बिल्कुल नहीं देना। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाके उसका तुरंत ही इलाज जरूर कीजिएगा ताकि आपका डॉग जल्दी से रिकवर हो जाए। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और आप मुझे इंस्टा फॉलो कर सकते हैं।